हाय फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहल। सुरटेक में फिर से आपको स्वागत करता हूँ। आज फिर से प्लान वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं मेरी कार के पीछे आपको दिखी रही होगी ये वाली, जो मारुति सुजुकी की है और कटारिया से मैंने उसको परचेस किया है। तो अभी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है मेरी और सेकंड सर्विस है, तो उसमें मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो बंडे कटारिया जैसे कि शोरूम के बंडे अभी मेरी कार को पिक करने के लिए आ रहे हैं। तभी वो कार की पहले की कंडीशन कैसी है और उसके बाद जो सर्विस में जाने के बाद आने के बाद कंडीशन कैसी है, जैसे कैसी सर्विस रहती है, वो मैं सिर्फ आपको दिखाने वाला हूँ। अभी उसका मैं सब कुछ, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लूँगा, जैसे कोई स्क्रैच या कोई डैमेज, या फिर मेरा फ्यूल कितना है, कितना किलोमीटर मैंने यूज़ किया है, और मैं जीरो करके दूँगा उन लोगों को। वो लोग जो भी करें, जैसे कि टेस्ट ड्राइव करें, या फिर वहाँ यहाँ से मेरे ख्याल से कटारिया शोरूम जो है मेरे घर से वो 15 किलोमीटर के ऊपर होना चाहिए अंदाजित, मुझे भी नहीं मालूम पूरा। तो उसके बाद वो अभी तो वॉशिंग है, बारिश के मौसम में वॉशिंग करेंगे वो, कैसे वॉशिंग करेंगे वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। वो कैसा सर्विस रहती है, अभी कितनी गंदी हो चुकी है, अभी दिखाने वाला आपको कार में चल गया। ऐसे कुछ कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन में भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बीच में ही वो खुद से वॉश की थी। अभी वो शोरूम में वॉश जो पहली बार मेरी फर्स्ट सर्विस थी उसमें बहुत अच्छा वॉश किया था। उसका फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा है। अभी वो जैसे कि पिकअप हो रही है मेरे घर से, पिक करके ले जाएंगे, तो अभी वो कैसी सर्विस रहती है वो आपको मैं सिर्फ मेरे साथ उसका रिस्पांस कैसा रहता है जैसे कि शोरूम वाले का, वही आपको दिखाने वाला हूँ। अभी तो बहुत बारिश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक ऐसा कुछ लगा हुआ है। बाकी हमारी कार पे कुछ भी स्क्रैच है, डेंट कुछ भी नहीं है, अभी नहीं है, इसलिए मैंने उसको बहुत संभाल कर रखता हूँ। कार ऐसे में दिखने में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है, कैमरे में आई भी नहीं रही है। ऐसा कुछ गंदी हो चुकी है जिसके उसका एलॉय व्हील, ये है हमारा मॉडल अर्टिका ZXi CNG वेरिएंट, जो कि मैंने परचेस किया है 2024 में, अप्रैल में परचेस किया था। सभी जगह से आपको मैंने दिखा दी। अब मैं कार के अंदर जाने वाला हूँ और आपको किलोमीटर दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, वो पूरा बारिश गिर रही है इसलिए मैंने दूर ओपन किया था, इसलिए वो पूरा पानी 2 रुपये आ चुका है। पावर विंडो, ये देख लीजिए, कुछ ऐसी कंडीशन है। और ये तो पूरा मिट्टी हो चुका है, वो कैसे उसकी सर्विस रहती है वही आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने मिट्टी दिखाना है, धूल मिट्टी जो से मैं दिखा रहा हूँ वो उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कुछ सब कुछ कर रहा हूँ, वो उसकी सर्विस कैसे रहती है वो मुझे जानना है और कुछ नहीं। ये पूरा कुछ ऐसा, वो ये बुक है सर्विस बुक, और पीछे वाली सीट भी कुछ ऐसा कुछ कचरा पड़ा हुआ है, उसको मैं बाहर फेंक दूँगा अभी। और कुछ ऐसा ही ऐसी पूरी क्लीन है अपनी अभी तक कार। अभी आपको दिखा दूँ कितना किलोमीटर, तो पहले स्टार्ट कर लेता हूँ तो अभी अच्छे से वो स्टेयरिंग घूम जाएगा। देख लीजिए, आपके सामने उसको जीरो कर रहा हूँ मैं। ये जीरो, अभी बी को भी जीरो कर देता हूँ। थोड़ा कैमरा अच्छे से जस्टिस नहीं कर पा रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। देख लीजिए, आपके सामने ए और बी को दोनों को मैंने जीरो कर दिया है। ये टोटल किलोमीटर है जैसे कि मेरी कार का 2790 किलोमीटर। अभी तक मैंने ये सेकंड सर्विस भी मेरी आ चुकी है लेकिन मेरी कार का वो रनिंग ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना किलोमीटर हो चुका है, आप देख लीजिए अच्छे से। और ए और बी जीरो, CNG के लिए भी देख लीजिए इतना है CNG, और सब कुछ पेट्रोल भी इतना है, आप अच्छे से देख लीजिए कैमरा जस्टिस कर पाए। वो हो गया। और ये कुछ ऐसी कंडीशन है, म्यूज़िक प्लेयर
और इधर कुछ मिट्टी मिट्टी सी लगी हुई है, वो क्या वो अच्छे से क्लीन कर पाएंगे वही देखना है चाहता हूँ मैं। ये हमारी कार और अभी सीएनजी मोड पर, इतना सीएनजी है अभी, आपको अच्छे से दिखेगा। और बारिश हो रही है, देख लीजिए कैमरा थोड़ा जस्टिस कर पाए, देख लीजिए जैसे कि मेरी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है उसकी, वो यहाँ से वो कट कर लेते हैं वो लोग। और ये मेरी सेकंड सर्विस अभी होने वाली है, अभी थर्ड भी फ्री होगी। अब सेकंड में क्या क्या वो लोग करते हैं वो मैं उन लोगों से पूछ के आपको बता दूँगा। और ये बुक अभी रख देता हूँ साइड में, और देख लीजिए अभी कैसी कंडीशन में हमारी बाइक आएगी, कार सॉरी का हम कैसी कंडीशन में वो देगी हमें, अच्छे से देगी या फिर क्या करके देगी, वो सब कुछ मैं आपको मैं दिखाऊँगा। और फिर से बोल रहा हूँ, वो मेरे घर से पिक करके ले जाएगा और घर पे पिक करके देंगे, ड्रॉप करके देंगे, और अभी उसका कोई भी चार्ज नहीं है, सब भी फ्री है। अब देखने वाला हूँ तो उसकी सर्विस कैसी है, चल मिलते हैं आप उन लोगों की सर्विस के बाद। पहले एक बार मैं आपको बोनेट खोल कर दिखा देता हूँ इंजन की कंडीशन कैसी है अभी, देख लीजिए कुछ ऐसे है हमारे इंजन की कंडीशन अभी तो। अब पूरा थोड़ा थोड़ा धूला धूल आ चुका है, मिट्टी आ चुकी है, और अभी तो बॉडी अच्छा है, क्लीन ही है, और कुछ ऐसा कुछ है अभी। अभी वो जाने वाली है, उसके बाद वो कैसा होगा वो फिर से आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छे से बन नहीं हुआ, देख लीजिए ये कुछ यहाँ से सीएनजी और फ्यूल डला है पेट्रोल, इस इधर देख लीजिए वो पूरा ऐसे मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। वो लोग क्लीन करे या नहीं ना नहीं करेगा वही देखने वाला हूँ अभी, वैसे तो थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ अभी, वो लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। पूरी कार पे कोई भी स्क्रैच ना ही कुछ डेंट बेंट कुछ भी है, आपके सामने हो जाएगी और आपके सामने वो फिर से आएगी। कार शोरूम से आ चुकी है, अच्छे से उन लोगों ने वॉशिंग कर दी है, पूरा क्लीन हो चुकी है अभी तो। वैसे तो अच्छी वॉशिंग की हुई है, जैसे वो बंदा जो लेके गया था कार एम्प्लॉय जो उनके, वो यहाँ तक रखने के जाए तो वो भी काड़ू कीचड़ लग ही जाएगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है आपको मैंने बताया था, लेकिन वॉशिंग अच्छे से की है। ये कुछ वही है जैसे कीचड़ कुछ लग चुका है, लेकिन वॉशिंग बहुत अच्छे से की हुई है। शोरूम की जो सर्विस है वो अच्छी मुझे लगी ना लगे, लेकिन वो जो बंदा आया था ना जो है उसका एम्प्लॉय, वो एक नंबर आदमी था यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मुझे उन लोग के साथ। ऐसा कुछ है, पूरी कार चमका दी उन लोगों ने, आप देख लीजिए पूरा क्लीनिंग अच्छे से कर दी इन लोगों ने, जो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी हुई, वाओ तो अच्छे से चमका दिया। अभी कितने किलोमीटर उन लोगों ने यूज़ किया है वो भी हम देख लेंगे। सिर्फ 21 किलोमीटर इन लोगों ने यूज़ किया है, और ये कुछ मुझे नोटिस नहीं मैंने किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 21 किलोमीटर यूज़ किया है। वो मैं फिर आप वीडियो में लिख के आपको फिर से बता दूंगा क्या कि उन लोगों ने कितना यूज़ किया है, एक बार बता ही देता हूँ आपको। इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैंने देख लिया है सिर्फ 21 किलोमीटर इन लोगों ने यूज़ किया है। अभी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, ये जैसा मेरा कब्र पापा के पीछे मैंने रखा हुआ था रुमाल, क्योंकि पापा को टाप ना लगे इसलिए अच्छे से क्लीन कर दिया उन लोगों ने। अभी पीछे के साइड भी ऐसे कर दिया है, ये तो प्लास्टिक है जैसे कि सीट कवर का ही है, वो भी क्लीन कर दूंगा मैं। और ये कुछ अच्छे
अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी आगे दिखने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आगे क्या आगे कैसा रहता है, एक बार वो देख लेते हैं। और पीछे की ये फ्यूल में देख लीजिए, मैं आई प्राउड ऑफ यू कटारिया शोरूम, जो इन्होंने इतने अच्छे से वॉश करके दिया मुझे। इधर किया नहीं लगता है, ओ वाओ, काफ़ी अच्छा रहा इस रिस्पॉन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए थोड़ी भी, तुम लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे वो कटारिया शोरूम वाले ने अच्छे से मेरे साथ रिस्पॉन्स, जो गाड़ी लेने आए, पिकअप करने आए और ड्रॉप करके गए, वो बंदा भी बहुत अच्छा था। और जो मेरे एडवाइज़र थे, जैसे कि सर्विस एडवाइज़र, उसने भी मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की। और जो मैंने वॉशिंग उन लोगों ने की, एक नंबर करके दी है, कहीं से भी वो ख़राब नहीं है, जैसे गंदी नहीं हुई। जैसे बारिश के समय में शोरूम से निकल के मेरे घर तक पहुँचने में जो भी थोड़ा सा कीचड़ निकला है, वही सब लगा हुआ है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।